गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सूबे में चुनावी गहमा गहमी बढ़ गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकसी करने में लगी हुई है। इस बार की चुनावी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नाक पर बनाई है। हाल ही में गुजरात के वलसाड जिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखे बाण छोड़े। पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, मोदी जी के पास पुलिस और आर्मी है, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा की सरकार है, जबकि हमारे पास केवल सच्चाई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी की तुलना महाभारत के कौरवों से भी कर डाली। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले महाभारत की लड़ाई हुई, दुर्योधन जी और अर्जुन जी कृष्ण के पास गए, वो भी सत्य और असत्य की लड़ाई थी। दुर्योधन ने जवाब दिया कि सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आज भी सत्य और असत्य की लड़ाई है। कौरवों के पास भी बड़ी सेना थी, लेकिन पांडवों के पास सच था। मेरे पास भी सच है, हमेशा सच जीतता है। तो सूबे की 182 विधानसभा सीटों पर 9 और 14 दिसंबर को मतदान होना है, और ऐसे में राहुल के इस आक्रामक रुख से साफ है कि गुजरात जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।